तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एशिया के सबसे पुराने टेक्निकल इंस्टीट्यूट आईआईटी रुड़की का, जो कि सबसे बढ़िया कोडिंग कल्चर रखता है, सबसे ज़्यादा जी सॉक्स एंड आईसीपीसी में सिलेक्शन देता है, प्रोफेसर का बहुत ज़्यादा लचीलापन है स्टूडेंट्स के साथ, एंड इसको एशिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आज हम इस वीडियो को बनाए हैं। तो आप लोग इसको देखो, इसके इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करो और शेयर करो अपने पूरे दोस्तों के साथ, ताकि एकदम पूरी तरीके से आग लगा दो यार, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हेलो एवरीवन, दिस साइड मयंक शुक्ला फ्रॉम आईआईटी रुड़की। तो आज हम यार बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे वीडियोज पे, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। अगर आप आ ही गए हो तो बिल्कुल पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना, बिकॉज़ यार अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं वो कॉलेज के जो भी रिलेटेड वीडियोस थे वो सब मस्ती से रिलेटेड थे, कि मतलब हम कॉलेज में कैसे अपनी मस्ती करते हैं एंड कॉलेज जाने के बाद लाइफ कैसे सेट होती है, एंड उन सब चीज़ों पे हम बात करते थे। बट यार आज मैं बात करूँगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे, कि आप आईआईटी रुड़की में हो तो आपको क्या क्या लाभ वहाँ पे मिलेगा, आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ क्या होगी, एंड क्या आईआईटी बॉम्बे की NIRF रैंक थर्ड है या IIT मद्रास की NIRF रैंक फर्स्ट है, तो क्या वही कॉलेज बढ़िया है? आपकी 100 में रैंक आई तो क्या आपको IIT बॉम्बे ही जाना चाहिए या IIT दिल्ली ही जानी चाहिए? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। आप लोग यार अगर वीडियो को देख रहे हो तो मेरा मोटिव ही यही है कि मतलब मैं वीडियो को इसलिए बनाऊँ ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लोर करवा सकूँ एक कॉलेज पे मतलब क्या होता है, एंड NIRF रैंक उसकी कोई रैंक नहीं होती है, या जो ट्रेंड चल रहा है IIT बॉम्बे वो ट्रेंड नहीं होनी चाहिए। तो यार आज हम शुरुआत करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स IIT रुड़की की, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, उसका आप एक छोटा सा क्लिप देखो। आपको मज़ा आ गया होगा क्लिप देख के, कि मतलब कॉलेज काफ़ी खूबसूरत है, एकदम हरा भरा कैंपस है, एकदम ज़बरदस्त फीलिंग आती है यहाँ जाने के बाद। कॉलेज कैंपस के साथ साथ यहाँ का जो एकेडमिक्स भी है वो भी स्टूडेंट्स के प्रति काफ़ी लचीला है, यानी लचीला कहने का सेंस मतलब आपको ये नहीं कि आप बीटेक कर रहे हो तो पूरी तरीके से आप बंधे हुए हो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, एंड प्रोफेसर्स वहाँ हैं स्टूडेंट यहाँ हैं, नो रिलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है IIT रुड़की में। मतलब प्रोफेसर इतने ज़्यादा चिल हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ उनका अच्छा बिहेवियर है कि वो मतलब हमारा जो IIT रुड़की का मीम पेज होता है उस पर भी प्रोफेसर्स भी होते हैं। तो यार तुम लोग मतलब सोच सकते हो कि प्रोफेसर्स काफ़ी चिल हैं, कोई भी अगर लड़के को कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रोफेसर को मैसेज करो, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। मानता हूँ कि 2-3% प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो मतलब अलग लेवल के हैं, अलग दुनिया वाले, बट 95% प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, ग्रेडिंग सिस्टम उनकी बहुत अच्छी रहती है, एंड उनका मतलब काम करवाने का तरीका एंड बाकी सब कुछ काफ़ी सस्ता बहुत बढ़िया रहता है। तो प्रोफेसर की तरफ से कोई कमी नहीं आपको मिलेगी IIT रुड़की में। अब जो मेन बात है, जैसे कि यार मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी सॉफ्टवेयर का ज़्यादा ट्रेंड चलता है, लोग कोडिंग पे भागते रहते हैं, तो यार IIT बॉम्बे आप जा रहे हो तो क्यों कोडिंग के लिए जा रहे हो? क्या कोडिंग के लिए जा रहे होंगे? अगर आपकी रैंक अच्छी, आपको कंप्यूटर साइंस लियो यानी कोडिंग के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोडिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में मतलब जो माना जाना चैलेंज है, जिसको लोग ज़्यादा भाव देते हैं, उसमें दो चैलेंज बहुत मेन आता है। एक तो आता है GSOC, गूगल समर ऑफ कोड, ये गूगल का एक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट आप लोग गूगल पे चेक कर लो कि GSOC की सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस किस इंस्टीट्यूट से होती है, तो नाम निकल के आएगा IIT रुड़की। जब आपको इतने अच्छे लोकेशन पे, यहाँ बगल में ही IIT रुड़की, इतनी खतरनाक पोजीशन है, मतलब लोकेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छी है, एंड फिर उसके बाद GSOC में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, ICPC इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, इसमें भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस, सर्च कर लो यार गूगल पे तो निकल के आएगा IIT रुड़की। कोरा पे आंसर पढ़ लो कि कोडिंग कल्चर सबसे ज़्यादा किस इंस्टीट्यूट की बढ़िया है, तो निकल के आएगा IIT रुड़की। तो यार एक थोड़ा बड़ा शहर ना होने के कारण आप IIT रुड़की को ऐसे ही छोड़ देंगे कि निकल गए BHU
या गुवाहाटी किसी के कहने पे, तो यार आप लोग कहीं भी जाते हो तो आप लोग सर्च करो। अभी मैं आपको जीसॉक और आईसीपीसी के बारे में बताया, कोडिंग कल्चर के बारे में बताया। आपको बता दूं कि टूरिज्म सबसे बढ़िया कहाँ का, आईआईटी रुड़की वाले सबसे ज़्यादा ट्रिप मारते हैं, बगल में हिमालय है, उनसे ज़्यादा मौज कोई नहीं करता। आप हिमालय का भी एक क्लिप देखो। क्या जबरदस्त है, मतलब बच्चे इंजॉय करते हैं। कॉलेज में ग्रुप बना हुआ है हिमालय एक्सप्लोर क्लब का, यानी वो लड़कों को ले जाता है वहाँ पे हिमालय, मतलब बर्फ़ की सारी जो भी आप मूवीज एंड जितना मतलब देखते हो टीवी मूवीज में, वो सब आपको करने का मौका मिलेगा। आप एक बार कैंपस में तो आओ। फिर उसके बाद बात करें तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ की, तो सबसे हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड है आईआईटी रुड़की की, चेक कर लो उसे भी, आपके सामने है स्पीड टेस्ट। तो यार सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और कुछ अकेडमिक्स अचीवमेंट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मतलब मस्ती वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं एंड पढ़ाई वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो अकेडमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि आईआईटी रुड़की में ऐसा प्रोग्राम है कि अगर आपकी सीजीपीए काफ़ी अच्छी है तो आपको 3.5 साल के अंदर अपना बीटेक कंप्लीट करके छुट्टी लेने का चांस मिलता है। कितना बढ़िया प्रोग्राम है कि यार आपको एक आधा मतलब 6 महीने वापस से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, 3.5 साल में आप बीटेक कंप्लीट करके निकल जाओ। फिर उसके अलावा अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसका एमओयू है जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। स्कॉलरशिप की बात की जाए तो जेम्स थॉम्सन स्कॉलरशिप आईआईटी रुड़की प्रोवाइड करवाती है, जिसमें अगर आपकी एआईआर के अंदर है जेई एडवांस में, आपको 25,000 पर मंथ मिलेगा 10 मंथ के लिए, और जिसमें आपको अपनी एसजीपीए 8 मेंटेन करनी होती, जो कि काफ़ी आसान होता है। आईआईटी रुड़की फर्स्ट सेमेस्टर में ही ब्रांच चेंज का ऑप्शन देती है, बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद देते हैं। तो यार फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ब्रांच चेंज आपका हो गया तो मतलब आप थोड़ा आउटसाइड अकेडमिक्स एक्सप्लोर मारने का चांस मिल जाता है, नहीं तो अगर फर्स्ट ईयर में यार 1 साल कौन इतना मतलब केवल किताबी बातों पर ध्यान देगा। तो इसलिए फर्स्ट सेम का जो ब्रांच चेंज का पॉलिसी आईआईटी रुड़की का, बहुत बढ़िया कंपैरिजन टू फर्स्ट ईयर, एक ईयर कंप्लीट होने के बाद जो ब्रांच चेंज का पॉलिसी है। फिर उसके बाद एक एमसीएम स्कॉलरशिप होता है जो मतलब 5 लाख से कम जिनका इनकम है उनके लिए दिया जाता है, उनकी ट्यूशन फीस में रेमिशन एंड 10,000 एनुअली दिया जाता है। इनकोर स्कॉलरशिप है, अगर यार ओपी जिंदल स्कॉलरशिप है, बहुत सारे एलुमिनाई के स्कॉलरशिप आते रहते हैं, मतलब अगर आप काम अच्छा करो तो आपको पक्का है स्कॉलरशिप मिलने वाला है, इसमें कोई दो मतलब भटकाव बिल्कुल नहीं है, एकदम एक बार आओ केवल, मैं अपने शब्दों से नहीं कुछ कह सकता। फिर उसके बाद बात करें स्पोर्ट्स लाइफ, कैंपस लाइफ, वो सब मस्त ही हैं। यहाँ का जो होता है कल्चरल इवेंट्स, तो यार देखो कल्चरल इवेंट्स में अगर मैं बात बताऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पे जो मेजर कल्चरल इवेंट्स हैं मैं उनको डिक्रीजिंग आर्डर में बताते जाता हूँ, थॉम शो, कॉग्निजेंस, ई समिट, सोशल समिट, रेंजो, ये मतलब बहुत ज़बरदस्त। आप थॉम्सो की भी क्लिप देखो, कॉग्निजेंस की भी क्लिप देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या खतरनाक, मतलब जिस दिन 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है ना, पूरा फुल ऑफ चिल, फुल ऑफ मस्ती, एकदम फुल ऑफ टेक। मज़ा आया होगा क्लिप देख के, काफ़ी ज़बरदस्त माहौल रहता है थॉम्सो हो या कॉग्निजेंस का टाइम हो। अब एक और मैं आप लोगों को बात बताऊं इसके अकेडमिक्स से रिलेटेड, जो आप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास जाना चाहते हो, तो बता दूं इंटर आईआईटी टेक्निकल मीट, इसमें आईआईटी रुड़की पिछली साल और इस साल दोनों में इसकी जो रैंक है वो फर्स्ट आई है, और इस बार हैट्रिक भी लगाएगी आईआईटी रुड़की, तो कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ के जो ग्रुप्स हैं मतलब जो टेक्निकल ग्रुप्स हैं उसमें एसडीएस लैब है कंप्यूटर साइंस एंड कोडिंग के लिए, पैग है
कंपटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए डेटा साइंस है, इन्फोसेक है, एंड फिर उसके बाद आपको काग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो टीम नॉक्स है, एंड IIT रुड़की मोटर स्पोर्ट है, फिर उसके बाद थोड़े रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो मार्क्स एंड टीम रोबोकॉन। जितना मैं आपको नाम ले रहा हूँ ना, आप उसको सर्च करके देख लो। फाइनेंस का फाइनेंस क्लब है, एंड फिर उसके बाद एक बाइस्किल जो HPVC है, ASME IIT रुड़की, ये इतने ग्रुप्स हैं जो टेक्निकल के हैं। फिर उसी के साथ साथ आपका IMG इंस्टीट्यूट मोबाइल ग्रुप जो कि ऐप डेवलपमेंट के काम में आता है, MDG, तो मतलब भर भर के पड़े हुए हैं। ये नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लिए तभी आपका पैकेज बहुत हाई जाने वाला। ऑलरेडी उसने इस बार सिद्ध कर दिया था कि IIT रुड़की के ECE, CS एंड EPH तीनों ब्रांच के लड़के 1.5 करोड़ प्लस का पैकेज लेके गए थे। बिकॉज उसमें क्या रीज़न है, क्योंकि ये यार इतने सारे जो मैं ग्रुप्स आपको बताया हूँ ना, SDS लैब, पैग, IMG, MDG, डेटा साइंस, इन्फोसेक, यार ये सब जो ग्रुप हैं बिल्कुल फुल्ली आपको सॉफ्टवेयर की तरफ ओरिएंट करवाते हैं। आप किसी भी ब्रांच को के हों, आपका इंटरेस्ट है, थोड़े बहुत आपसे टेस्ट लेंगे, आपका डेडिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद आपको उसमें सेलेक्ट करेंगे, एंड आप 4 साल के बाद एक जो और IIT के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनसे आप कई गुना ऊंचाई पे मिलोगे। फिर उसके बाद कल्चरल ग्रुप की बात कर लें तो कल्चरल ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। सीनेसेक आप देख रहे होंगे कि जो IIT रुड़की बी योर ड्रीम 1 मिलियन प्लस व्यू, एक सॉन्ग है वो भी 1 मिलियन प्लस व्यू, कितना बढ़िया। मतलब अब तक जितने भी मैं IITs के वीडियोस देखा हूँ, जब मैं कॉलेज में नहीं गया था तो मैं सीनेसेक के वीडियोस को देखता था, बिकॉज उनकी एडिटिंग एंड उनका जो मतलब सोचने का तरीका है बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा देता है, बहुत ज़्यादा। फिर सिनेमा क्लब है, वो आपको हर सैटरडे संडे को मूवीज़ दिखाता है कॉन्वोकेशन हॉल में। IIT रुड़की स्टार्टअप्स में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, अभी मतलब जल्द में ही एक रेजर पे स्टार्टअप किया गया, और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं रूरल एरिया के स्टार्टअप्स बहुत जगह, मतलब पूरा आप लोग एक बार इंटरनेट पे यार गूगल पे सर्च मारो ना स्टार्टअप्स इन IIT रुड़की, आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्थान पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है। तो इंस्टीट्यूट चुनने से पहले सबसे पहले गूगल पे मारो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अभी कोविड के समय प्राणवायु IIT रुड़की के प्रोफेसर द्वारा डेवलप किया गया, वहाँ के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर ने मिलकर डेवलप किया। आप HRD का ट्वीट भी देखे होंगे, वेंटिलेटर्स जो प्राणवायु के नाम से ही था। तो यार ये सब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ आपको मिलने वाली है IIT रुड़की के अलावा। और बाकी तो अब आप लोग देख लेना क्या क्या और चीज़ें हैं आपके, और वेब्स जाओ यार YouTube पे मारो IIT रुड़की। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी इस बार IIT रुड़की दे रहा है, नौतेज मिश्रा है, मैं भी थोड़ा बहुत उछड़ रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, और भी 2-3 निकल जाएंगे आने वाले 1 साल के अंदर। तो कहीं भी आपको कमी नहीं मिलने वाली IIT रुड़की। लोकेशन थोड़ा सा मतलब एक इसका माइनस पार्ट है कि जो ये नियरेस्ट एयरपोर्ट थोड़ा यहाँ से दूर है, बाकी आप किसी भी चीज़ में IIT रुड़की को फेल नहीं कर सकते, चाहे वो आपका कोडिंग कल्चर हो, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो प्लेसमेंट परसेंटेज हो, चाहे वो अकेडमिक्स का जो मतलब लचीलापन है, सब कुछ आपको IIT रुड़की में देखने को मिलेगा। तो इसलिए गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, मचा दो यार, मतलब ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है ना वो सबके पास तक पहुँचे। एंड एक इंस्टीट्यूट जो कि इतना एशिया का सबसे पुराना टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसका नाम और आगे बढ़ सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।